केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में सेवादल युवा ब्रिगेड के रवि राठौर भी अपने सैकड़ों समर्थक किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट में पास किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में जहां दिल्ली के आसपास किसान पिछले 50 दिनों से भी अधिक समय से धरना देकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी प्रदेश भर में किसानों के हित के लिए कांग्रेस सेवादल आंदोलन कर रही है। इसी के अंतर्गत सोमवार को उज्जैन में भी ग्रामीण जिले के नेतृत्व में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली मंडी प्रांगण से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई कोठी रोड पर आम सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस रैली में सेवादल युवा ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष रवि राठौर ने भी सैकड़ों सेवादल के युवा कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ रैली में शिरकत की। रवि राठौर अलग अलग बैठकों में युवा सेवा दल के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही रवि राठौर ने बताया कि वे भी केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध में किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर आई है जो किसानों के लिए भविष्य में जमीनों को छीन लेगा। सेवादल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष रवि राठौर का कहना था कि इस कानून को जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, उज्जैन शहर एवं प्रदेश के हर आंदोलन में शामिल होंगे। हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो 3 काले कानून कृषि के लिए लगाए गए हैं उसके विरोध स्वरूप आज जो किसानों में जो आक्रोश है उसका परिणाम आज यहाँ पर उज्जैन की सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि जो इन्होंने जजिया कर लगाया है उसका विरोध आज सभी किसान और कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड और महिला कांग्रेस सेवादल इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। और हम किसानों के सम्मान के लिए इस कानून के खिलाफ हम आज सड़कों प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें आज 1000 ट्रैक्टरों की संख्या सेवादल यंग ब्रिगेड एंड सेवादल के माध्यम से यहां पर की गई है। इस काले कानून के अंतर्गत भैया इन्होंने जो किसानों के हित में जो MSP खत्म करी है, MSP और जजिया कर जो लगाया इन्होंने MSP खत्म कर दी इन्होंने यहां पर, और एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। आज हम देख रहे हैं कि प्रायः आज महंगाई बढ़ती जा रही है देश में। आज तेल और पेट्रोल के भाव आसमान की कीमतों को छू रहे हैं, उसका विरोध अब जनता अपने सड़कों पर प्रदर्शन करके करेगी और सेवादल सभी जो प्रदर्शन है सेवादल सभी प्रदर्शनों में सब जनता के हित में साथ में खड़ी हुई है उनके। इसी रैली में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कैबिनेट मंत्री पूर्व सचिन यादव, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष कमल पटेल, विधायक रामलाल मालवीय, विधायक महेश परमार, विधायक दिलीप गुर्जर, सेवादल प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी, मध्य प्रदेश सेवादल प्रशिक्षक राजेश लस्करी, जिला सेवादल अध्यक्ष जगदीश ललावत, शहर सेवादल अध्यक्ष मनीष गोमे एवं जिला सेवादल यंग ब्रिगेड के समस्त पदाधिकारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे।